50 डिग्री से ऊपर तापमान हो और घर में पानी का संकट हो, जिंदगी नरक नहीं होगी तो क्या होगी? इंसान के लिए रोज रोज गुजारना एक बड़ी जलालत है और एक बड़ी आबादी इस तरह की जिंदगी के सामने है। दिल्ली जो गर्म हवा पहुंच रही है वो राजस्थान के रास्ते से आ रही है। सोचे कि राजस्थान का हाल क्या होगा। राजस्थान की गिनती तो वैसे भी देश के सबसे गर्म प्रदेशों में होती है, इस बार तो वहां का हाल कुछ ज्यादा ही बुरा है। राजस्थान में गर्मी का कहर टूटा हुआ है और लोग पनाह मांग रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते पूरे प्रदेश में हीट स्ट्रोक के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग, इनकी मौतें हो रही हैं और आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 10 दिनों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों की संख्या 3,800 तक पहुंच गई है और बीते 8 दिनों में 55 लोगों की मौत की खबर है। राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में आए दिन लावारिस शव मिल रहे हैं। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर, कोटा समेत कई जगहों के अस्पतालों में बड़ी संख्या में लावारिस शव लाए जा रहे हैं। राजस्थान में कई हिस्सों में तापमान 48 से 50 डिग्री के बीच चल रहा है। चूरू का तापमान 28 मई को 50.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसका जिक्र मैंने आपसे ऊपर भी किया था। इससे पहले फलौदी में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। राजधानी जयपुर में भी तापमान 50 के करीब रहा। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। गर्मी के मारे ऐसा लग रहा है कि जान निकल जाएगी। लोगों को राहत देने में जुटी भजनलाल सरकार के पसीने छूट रहे हैं। जो चिकित्सा विभाग है अलर्ट मोड में है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर लगातार हाई लेवल पर मीटिंग्स ले रहे हैं। अधिकारियों को गर्मी की मॉनिटरिंग करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। अस्पतालों को हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने को कहा गया है और रखने तक को कहा गया है। फील्ड ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए खास निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में खड़े ना हों, नींबू पानी, ग्लूकोज का सेवन करते रहें। एक और तैयारी जयपुर में खास तौर पर की गई है। रेड लाइट्स पर ग्रीन शेड लगाए गए हैं, जिससे साइकिल या बाइक सवार लोगों को राहत मिल सके। हमारे सहयोगी हैं प्रशांत यादव, उनकी रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं ताकि राजस्थान में गर्मी का जो कहर है उसका अंदाजा आपको हो सके। प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है, मगर अब इस गर्मी की स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक बनती जा रही है। लगातार खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इस पर हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। कल और परसों लगातार जो है दोनों दिन हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें SMS मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच अस्पताल और तमाम स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारियों को उन मीटिंग में शामिल किया गया। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त किया जाए, जहां पर भी कूलर, AC, पंखे खराब है उनको ठीक किया जाए, अगर ठीक करने की स्थिति में ना हो तो जल्द से जल्द उनको बदल दिया जाए। तस्वीरें मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर में किस तरीके से प्रशासन की ओर से भीषण गर्मी से बचाव के कारण बचाव के लिए अलग अलग तरीके के जो है इंतजाम किए गए हैं। राजधानी जयपुर के अधिकतर जो रेड सिग्नल्स हैं वहां पर ये ग्रीन शेड बनाए गए हैं, ताकि रेड लाइट पर जो भी लोग यहां पर रुके वो छाया के नीचे, इन ग्रीन शेड्स के नीचे आराम से खड़े हो सके। मगर अगर स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो लगातार जो है मॉनिटरिंग करने के लिए आदेश दिए गए हैं। कई विभागों के आला अधिकारी और कर्मचारियों की जो अवकाश है उनको कैंसिल कर दिया गया है। इना इमरजेंसी कंडीशन के अलावा कोई भी अधिकारी और कर्मचारी, सिर चाहे वो बिजली विभाग का हो या स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा हो, वो छुट्टी उनकी कैंसिल कर दी गई है। उनको इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा अवकाश लेने की अनुमति नहीं दी गई है। मगर जो है लगातार स्थिति चिंताजनक है। जिस तरीके से गर्मी का आलम पड़ रहा है, गर्मी की जो टेम्परेचर है वो लगातार तेज होता जा रहा है, उसको लेकर अलग अलग गाइडलाइन जारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी जो है, पुलिस कर्मचारियों
के लिए कई प्रकार की जो है गाइडलाइंस जारी की गई है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा पुलिस कर्मचारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि कोई भी जो कर्मचारी है जो रेड लाइट पर जो सिग्नल पे खड़ा है वो जो है 12 से 3 बजे तक धूप में नहीं खड़ा होगा। किस तरीके के आदेश दिए गए हैं और कब ये आदेश आपको मिले? जी सर, ट्रैफिक कंट्रोल रूम और हमारे उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिए हैं कि धूप में खड़े रह के न होके और छाव में खड़े रह के ड्यूटी करेंगे। कितने से कितने समय तक के लिए मना किया गया? 12 से 3 बजे का टाइम दिया है और ड्यूटी के दौरान पानी पीते रहेंगे, नींबू पानी पीते रहेंगे, ग्लूकोन डी का उपयोग करेंगे जिससे कि गर्मी में राहत मिले। आवाजाही की जो आम सड़क होती है उसके ऊपर शेड मैंने पहली बार देखा है। हो सकता कि आपने पहले देखा हो, मैंने पहली बार देखा। राजस्थान की भीषण गर्मी में बच्चों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अलग अलग जिलों से बच्चों की मौत की परेशान करने वाली खबरें भी आ रही हैं। झालावाड़ में गर्मी की वजह से 1.5 साल की बच्ची की मौत हुई। कोटा के राजमंडी इलाके से 2 नवजात बच्चों की मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में बच्चों का जन्म हुआ था। पंखे की गर्म हवा की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब जाकर अस्पताल प्रशासन जागा है। अस्पताल में 4 कूलर लगाए गए। अजमेर में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। कौन अपनी जान देने के लिए बेवजह बाहर निकले? टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो सारे खाली पड़े हुए। आग उगलती दोपहरी से बचने के लिए लोगों ने घरों से निकलना काफी कम कर दिया है और एहतियातन आपको भी अगर जरूरत नहीं है तो घर से नहीं निकलना चाहिए। पानी लगातार पीते रहिए। पानी में अगर थोड़ा नमक और नींबू डाल करके पीना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए। ये पूरा अरसत आज आपकी खातिर है। गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ती चली जा रही है और 48, 49, 50 से पार होकर के दिल्ली में तो 52 पार कर गया है पारा टेम्परेचर। ऐसे में बाहर निकलना और बिना एहतियात के बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। इसलिए अपना, अपनों का ख्याल रखा कीजिए। गर्मी के लिए बदनाम राजस्थान में बॉर्डर एक बड़ा इलाका पड़ता है। वहां बीकानेर में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ये तस्वीर आपके सामने है और ये हमारे देश के जवान हैं। 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उससे ऊपर भी चला जाता है और ये रेत जो है वो जलता अंगारा हो जाती है सरहद पर। बावजूद इसके बीएसएफ के हमारे जवान देश की सुरक्षा करने के लिए लगातार डटे हुए हैं और ये सलाम है इनको। समूचे हिंदुस्तान के वो लोग जो अपने घरों में आराम से बैठ करके अपनी जिंदगी सुकून से परिवार के साथ जी रहे हैं। कारण ये है कि हमारी सरहद महफूज है, सुरक्षित है और उसकी वजह ये लोग हैं जो तपती जमीन पर लगातार गश्त करते रहते हैं। अपनी सरहद की तरफ उठने वाली हर आंख फोड़ने, हर हाथ काटने और हर इंसान के इस तरफ आने को मार गिराने की ताकत रखते। महिला और पुरुष दोनों जवान इसमें और सभी कंधे से कंधा मिला करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए जवान कई तरह के उपाय करते हैं। सिर पर टोपी डालते हैं, साथ में पानी की बोतल रखते हैं, आंखों पर काला चश्मा लगाते हैं, गर्मी से बचने के ज़रूरी इंतज़ाम करके रहते हैं। लेकिन जो फ़र्ज़ है वो ये है कि मेरी सरहद, मेरा मुल्क, मेरा वतन सुरक्षित रहे। इसलिए समूचे हिंदुस्तान की तरफ से देश के इन तमाम जवानों को सलाम है। मसला देश की सुरक्षा का है जिससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है और ये तस्वीर उसकी गवाही देती है।